फिल्म शोले आप सभी ने देखी होगी, उसमें तांगा चलाने वाली बसंती को भी आप सभी जानते ही होंगे। तो बसंती की मौसी को कैसे भूल सकते हैं, जिनसे पानी की टंकी पर चढ़कर वीरू ने कहा था, कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट जाओ, मौसी शादी के लिए नहीं मान रही। क्या आप जानते हैं कि वो मौसी आज कहाँ है, किस हाल में है? इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको शोले में मौसी बनी अभिनेत्री के आज के हालातों से रूबरू कराएंगे, पर उससे पहले उनके लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिल्म शोले में मौसी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का असली नाम लीला मिश्रा है, जिनका जन्म 1 जनवरी 1908 को आगरा में हुआ था। बात करें इनके अभिनय करियर की, तो छोटी सी उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी और ये शादी के बाद मुंबई आ गई थी। मुंबई आने के बाद लीला को एक फिल्म का ऑफर मिला था। लीला को उस फिल्म के लिए उस जमाने में 500 रुपये दिए गए थे, लेकिन बताया जाता है कि तब उनको एक्टिंग नहीं आती थी। लीला किसी आदमी को भी नहीं छूती थी, जिसके चलते उनके हाथ से कई फिल्में निकल जाती। एक फिल्म में लीला को अपने साथ एक्टर शाहू मोदक को गले लगाना था, लेकिन लीला इसके लिए तैयार नहीं हुई। नतीजा ये निकला कि मेकर्स ने लीला को शाहू मोदक की माँ का किरदार थमा दिया और यहीं से लीला की किस्मत बदल गई। अपने 4 दशक लंबे फिल्मी करियर में लीला ने साइड रोल्स में ना केवल पहचान बनाई बल्कि खूब नाम सम्मान भी कमाया। लीला ने अपने दौर से लेकर नए तक दर्जनों फिल्मों में काम किया, जिसमें नदिया के पार, नेया, सवेरा, बातों बातों में जैसी कई फिल्में शामिल हैं, जिसमें ये कभी किसी की माँ बनती, कभी किसी की नानी, तो कभी किसी की दादी, और अपने इन्हीं किरदारों के साथ ये इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस हो गई। लेकिन अगर बात करें इनके आज के हालातों की, तो फिल्म में लीला मिश्रा सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद बालों में काफ़ी हेल्दी, सिंपल, सुपर नजर आती थी। बता दें कि 80 साल की उम्र में 17 जनवरी 1988 में लीला मिश्रा का निधन हो गया है। जी हाँ, आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि अपने निधन के समय लीला काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थी और इन्हें ज़्यादा सिंपल रहना ही पसंद था, इसलिए हमेशा सिंपल रहती थी और सफ़ेद बालों में नजर आती थी। और आज लीला मिश्रा इतनी सुपरहिट फिल्में देने के बाद हमारे बीच नहीं है। वेल दोस्तों, लीला मिश्रा का कौन सा किरदार आपको बेहद पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।